भाई साहब आप दिखते हैं अचानक कैसे टपक पड़े आप चोट पोट तो नहीं लग रहा आपको भाई साहब ठीक तो है सर जी सर जी ये ऊपर से गिरा है पता नहीं कैसे गिरा है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा मदद कीजिए मेरी आई मदद कीजिए भाई कोई हॉस्पिटल है जो मुर्दा लोगों को जिंदा कर देता है मर गया एक गोली सर पे लगी दो गोली सीने पे लगी जिंदा कैसे बचेगा दसवें माले से गिरा है उठ कार पे गिरने के लिए किसने कहा था सर उठ एक सेकंड इतना डिटेल में तुम्हें कैसे मालूम है मैंने तो सिर्फ गोली चलाई थी मराई गिरने से तुम मैं किलर हूं जैसे तुम ड्राइवर हो मैं किलर हूं तुम गाड़ी चलाते हो मैं बंदूक चलाता हूं ये देखो समझ गया करेक्ट समझ गया जैसे मैं ड्राइवर वैसे तुम किलर करेक्ट तुम ऐसा करो तुम एक टैक्सी लेके जाओ हाँ अब से किलर भी तुम ड्राइवर भी तुम हाँ टू इन वन मैं चलता हूँ यहाँ से ये जो हुआ है मैं किसको बताऊँ नहीं हाँ चलता हूँ बाय डिनर खाना है गोली भाई बनना था भाई से बता दिया लेकिन तो भाई नहीं कैसा ये तुम हंस रहे हो कि रो रहे हो पता नहीं क्या करूं हंसू या रोऊं हाथ नीचे करो उठाओ इसे हाथ लगाओ उसको उठाओ इसे क्या इसे उठाओ अगर तुमको इस दुनिया से नहीं उठना है तुम्हें इसे उठाना पड़ेगा ठीक है नहीं कौन पलटो इसे हाथ ला इसका भी ठीक है मैंने अभी ठीक नहीं 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 ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है इसकी बॉडी दुनिया छोड़ना चाहती नहीं है ऐसा होता है डर मत आ जाओ मुर्दे से डरना ना ये बात हुई ना मर्दों को मुर्दे से डरना उठाओ काम के टाइम पे फोन पे कॉल डिस्टर्ब करता है बात नहीं करना बात क्या करूं बोलती बंद है चल कार का वॉकर निकाल दो क्या कर रहे हो मेरा वायलेंस इसकी जरूरत नहीं अब चलो मैं टैक्सी नहीं चला सकता मैं गन चलाऊं घबराहट हो रही है यार मारा मैंने घबराहट तुम्हें हो रही है डेड बॉडी उठाने की आदत नहीं है ना मुझे आज पड़ जाएगी आज रात बहुत कुछ सीखने वाले हो तुम मतलब आज रात तो पड़ जाएगी आदत कम ऑन बहुत बड़ी रात है कम इन मरता क्या ना करता वो इसी सिचुएशन के लिए ना सही सर जब्बार के केस में मलिका एक अहम गवाह थी मुझे डर है कि वो बाकी गवाहों को भी मारने की कोशिश करे जनाब इस तरह आपकी कोई घबराहट की कोई जरूरत नहीं शायदों के बारे में गवाहों के बारे में किसी को मालूम नहीं है सिर्फ दुबई पुलिस के आला दर्जे के अफसर ही गवाहों के बारे में जानते हैं लेकिन सर आप उसे एक बिजनेसमैन की हैसियत से जानते हैं और मैं उसे एक छात्र क्रिमिनल की तरह पहचानता हूँ सर बिलीव मी वो कुछ भी कर सकता है सर और इतने सालों के बाद मैं हारना नहीं चाहता क्योंकि इस बार सीबीआई की हार इंडिया की हार होगी सर सिग्नल क्रीन हो गया जोशी जी खो गए कि सो गए टिक्की में लाश होते हुए कोई खो सकता है या सो सकता है नहीं सिर्फ रो सकता है दो चीजें मुझे पसंद नहीं है गर्मी का महीना और एसी में पसीना दो चीजें मुझे भी पसंद नहीं है करेक्ट बोलूं टिक्की में लाश और तुम्हारी बकवास अरे क्या लाश लगा रखा है समझो टिक्की में सामान पड़ा है वाह वाह आदमी और सामान में कोई फर्क नहीं होता ना आदमी नहीं मरा हुआ आदमी मरे हुए आदमी और सामान में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों सांस नहीं लेते
लेकिन तुम सांस लो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है मन को काबू में करने के लिए सांस लेना जरूरी है। गहरी गहरी सांस लो, सांस पूरी तरह से अंदर भरो और छोड़ दो, फिर सांस भरो और इस तरह छोड़ दो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो, फिर सांस लो और फिर धीरे धीरे छोड़ो, मन को काबू में करने के लिए। तुम क्या बाबा रामदेव हो क्या कि मैं तुम्हारी बात सुनकर योगा करना शुरू कर दूंगा? है कथक भी करना पड़ सकता है, यही बाकी रह गया था करने के लिए। क्रोध, क्रोध पे काबू पाना आवश्यक है बालक। अच्छा अंकल, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक आदमी को मारा है, कुछ 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 फील नहीं होता आपको? हा? क्या फील होगा, क्यों फील होगा, सबको एक ना एक दिन मरना है, किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है, उसे आज मरना था, हमने मार दिया, काम है हमारा। किसी आदमी को मारना तुम्हारा काम है क्या? क्या करें, अच्छा हो खराब हो काम काम होता है, जॉब जॉब। तुम उसे जानते थे? किसी को मारने के लिए उसको जानना जरूरी है क्या? मुझे क्या पता, मैंने कभी किसी को मारा है क्या? तो फिर क्यों बेकार के सवाल पूछते हो, रोज हजारों लोग मरते हैं सवाल करते हो, सुनामी में लाखों लोग मर गए सवाल किया, मुंबई की बारिश में हजारों लोग मर गए सवाल किया, भूकंप में इतने लोग मर गए सवाल किया, नहीं किया। कुदरत से कोई सवाल नहीं कर सकता, किलर से भी सवाल नहीं करना चाहिए। करेक्ट ब्लू, तुम आदमी नहीं हो, मर्डर करके मुस्कुरा रहे हो तुम। करेक्ट ब्लू, अभी इसके पहले जहां गया था वहां एक लड़की को मारा, पता चला क्या? क्या कर रहा हूं? बोर कर रहे हो, आ गए तुम्हारे चाचा लोग, अभी निपटो इनसे। अब मरे तुम? तुम नहीं, हम। हम नहीं, तुम। मर्डर तुमने किया है। टैक्सी तुम्हारी, 5 साल से टैक्सी चला रहे हो, इन लोगों से कैसे निपटना है तुमको पता है? 5 साल से मैं डिक्की में लाश रखकर टैक्सी नहीं चला रहा हूँ कि मुझे पता होगा। डिक्की में लाश नहीं है। किसे निकाली? तू अपने दिमाग से ही बात निकाल दोगे डिक्की बिलाश, नॉर्मल बिहेव करो। देखो देखो, मुस्कुराओ से देखे, नहीं तो ये मरेंगे साथ में तुम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। पसीना पूछ लो, पसीना। स्टेप आउट प्लीज। क्या हो गया? आप इंडियन हो? मैं शक्ल से आपको जापानी दिखता हूँ। मजाक करती? करती नहीं, करता। क्यों रोक लिया इसको? इसका विंडशील्ड टूटा हुआ है और ये फिर भी गाड़ी चला रहा है। इंडियन है ना, इसको टूटी बूटी गाड़ी चलाने में ज्यादा मजा आता है, आदत है इसको। पर दुबई में इसका नो परमिशन, सॉरी, आपको दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी। ये शीशा कैसे टूटी? टूटी नहीं, टूटा। कैसे टूटा? कैसे टूटा बताओ। हाँ, वो क्या है ना कि पीछे की गली में चाइनीज स्टॉल वाले के पास लड़ाई हो रही थी और एक आदमी ने सॉस की बॉटल फेंकी, दूसरे आदमी ने डक किया और बॉटल आके टूटी। टूटी? हाँ टूटी, यहाँ टूटी सही है। कभी टूटा कभी टूटी। इंस्पेक्टर मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मुझे सिर्फ अगले स्टॉप तक जाना है। आई मीन हरी, ओके, जाए चलो। वेट, स्टॉप। Blood, there is blood on the glass. शीशे पे खूनी। खूनी नहीं, खून। लेकिन ये खून नहीं है। अरे सर सर सर, खूनी खूनी है, सॉस है, सॉस सॉस। बोतल की टूटी यहाँ पे, सॉस है, सॉस सॉस है ना, सॉस सॉस। चटनी चटनी चटनी। चाट के दिखाओ, चाट के दिखाओ, दिमाग नहीं चटवा, चाट के दिखाओ, चाट के दिखाओ। क्या है? चिली, चिली सॉस है, चिली सॉस, चिली सॉस। बहुत तीखा है? डिक्की खोलो, ओपन द डिक्की। सर सर, डिक्की खोलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ओपन द डिक्की, प्लीज सर। नो नो नो, इफ एंड बट, डिक्की खोलने को बोल रहे, डिक्की खोल के दिखा दो। टैक्सी मेरी, तुम्हें क्या है?
खोलो खोलो जल्दी खिड़की खोलो।